नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदेश में मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है उनकी गाड़ी। बता दें कि ओपीएस भदौरिया ग्वालियर से भिंड की ओर जा रहे थे, जहां पर ट्रैक्टर से उनकी कार टकरा गई। इस एक्सीडेंट में बता दें आपको कि ओपीएस भदौरिया के सर पर चोट आई है, वो घायल हुए हैं। तुरंत उनको ग्वालियर के अस्पताल में रेफर किया गया है। दर्शकों को बता दें कि ओपीएस भदौरिया ग्वालियर से भिंड जा रहे थे, जिस दौरान ट्रैक्टर से उनकी गाड़ी टकरा गई। कार में उस वक्त उनके साथ ओपीएस भदौरिया के साथ सुरक्षा कर्मी और एक और साथी उनके मौजूद थे। तीन लोग थे कार में मौजूद, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों को चोटें आई हैं। यहां दर्शकों को भी बता दें कि राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। ओपीएस भदौरिया की कार और ट्रैक्टर से टक्कर हुई है, और टक्कर के बाद ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में ओपीएस भदौरिया को भर्ती कराया गया है। चोट कितनी लगी है, कितनी गंभीर चोटें हैं, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही वो जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी सड़क दुर्घटना जो है वो हुई है। ग्वालियर से भिंड जा रहे थे ओपीएस भदौरिया, जहां पर बड़ा सड़क हादसा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी है ओपीएस भदौरिया की, वो ट्रैक्टर से टकराई है और काफी क्षति गाड़ी को भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि ओपीएस भदौरिया के सर पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनके साथ ही दो लोग और मौजूद थे, उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ओपीएस भदौरिया का इलाज चल रहा है। जो भी अपडेट इस मामले में और होगा वो एमपी तक आप तक पहुंचाएगा। खबर भिंड से भेजी सहयोगी हेमंत शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।